कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल, आप अच्छे हो गए। अगेन यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लैंग्वेज वाला सवाल था ना, उसमें से ये एक नंबर और दो नंबर, ये आज का अंतिम सवाल है जो कि लैंग्वेज पर होने वाला, मतलब लैंग्वेज के आधार पर जो मैंने आपको बताया हुआ है, लैंग्वेज वाले सवाल में ये आज आपका अंतिम सवाल होने वाला। मतलब आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज वाले सवाल का आज विदाई करने वाले हैं। आप मुस्कुरा रहे हो? अरे विदाई कर रहे हैं, रोना धोना है, मेरी बहन ससुराल नहीं जा रही जो आपको मुस्कुराना है। ठीक है, आज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर रहे हैं? विदाई कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे पता है थोड़ा आप उदास हो जाओगे, कोई नहीं, अगले चैप्टर में अगर होगा लैंग्वेज वाला सवाल तो फिर आपको मुस्कुराने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन अभी तत्काल तो नहीं है। हाँ, मिलेगा ट्रायंगल्स में, जब हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ओके, वहाँ पर ही बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक, यहाँ ध्यान दो। हाँ, जो आप रो रहे हो धो रहे हो उसको भी साइड रखो, इसको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ये पढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आपसे मात्र 3 से 4 सवाल, हाँ ज्यादा नहीं, बस 3 से 4 सवाल पूछने वाला हूँ, ध्यान से आपको बताना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओगे मुझे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे बताओगे क्या होता है। अगेन ए प्लस बी, ये नहीं, ऐसे नहीं बताना है आपको, ये बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो कल, हाँ कल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हो सकता है, वो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपको याद भी रख लेना है, अभी जब हम लोग इसको सीखेंगे ना, उसको आप याद भी कर लेना, ये सबसे बहुत ही प्यारा ये आपका फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, इतना सब कुछ आप मुझे बताओगे, अब बताने के लिए तो काफी कुछ है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब आपको पता भी होगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ा है हम लोग को, तो इसको साइड ही रखते, इसका आवश्यकता पड़ने वाला है तो आपको इसको ध्यान में रख लेना है। अगेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम दो सवाल दे रहे हैं आपको, उस सवाल को देखोगे। ठीक है, मुझे पता है वो सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी आप उसको बनाने का मैं आपको मौका दे रहा हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 है, आपको यहाँ से x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू क्या होगा। एक और सवाल है, रूट अंडर एक्स इक्वल टू आपका यहाँ 3 है, आप मुझे इसका भी वैल्यू बताओगे, इसका वैल्यू क्या होने वाला। जल्दी से, यहाँ पर ज्यादा सवाल तो नहीं है, बस 6 सवाल है, 6 सवाल पर पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे और बनेगा। आप खुद मन में सोचोगे, भैया इससे और आसान सवाल नहीं मिला था क्या आपको, जो दिए हैं उसको शांतिपूर्वक बनाओगे आप, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, यहाँ ध्यान दोगे और मिलाना है आपको। उम्मीद करते हैं ये दोनों सवाल आपका सही बना होगा, बना ही सही होगा, फिर भी आप मिलाओगे एक बार। ये सब फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, कहीं कोई समस्या इसमें तो होता ही नहीं आपको। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बहुत अच्छे। यहाँ पर प्लस था तो प्लस दे दिए, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस दे देंगे, इसमें तो आपको दिक्कत होता नहीं होगा। अगेन यहाँ पर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सिंपल सा ए और बी को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको पता होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको आज याद ही कर लेना है, वो है आपका a प्लस बी प्लस सी, इसका अगर होल स्क्वायर आ जाए तो क्या करोगे आप, सिंपल सा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल सा देखो ना, सब का बारी बारी से हम स्क्वायर कर रहे हैं, और प्लस था बीच में तो प्लस प्लस सब जगह दे रहे हैं। ठीक है, अगेन अगेन अगेन, अगर फिर उसके बाद a और b का मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2ab, फिर अगेन b और c का मल्टीप्लाई अर्थात 2bc हो गया, फिर अगेन ए और सी का मल्टीप्लायर था 2ac हो गया। ये सिर्फ प्यारा सा फॉर्मूला है, इस प्यारे से फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी मैं इसमें कुछ और बताने वाला हूँ, उसको भी सीख लेना आपको। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, अगर ये देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 था, मुझे पता है इसका आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ होगा, बिकॉज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा पढ़ डाले हैं। अगर ये गलत हो गया ना, सोचो महापाप लगेगा आपको। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, स्क्वायर को बराबर किस तरह भेजते हैं तो वो मेरा रूट में कन्वर्ट होता, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर पावर 2 है उसका सॉल्यूशन 2 होता है। यहाँ पर एक बार प्लस 3 सॉल्यूशन हुआ, मतलब प्लस रूट 3 सॉल्यूशन हुआ, एक बार आपका माइनस रूट 3 सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पर रूट को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ही होगा, यहाँ पर आप प्लस माइनस नहीं लगाओगे, हम यही समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस बात को समझना है आपको। अगेन यहाँ पर एक्स का वैल्यू आपका 9 हुआ, इस बात को समझो। ठीक, मेरे ख्याल से आप सब कुछ अच्छे तरीके से आपका क्लियर हुआ होगा। अगेन इसको, इस फॉर्मूले को एक बार फिर से देखेंगे और आपके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा, भैया अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, बस इसी
डाउट को हम क्लियर कर देते हैं अभी, ठीक है भैया। वैसे भैया मेरे मन में ऐसा विचार तो ना आ रहा था, लेकिन आप बोल रहे हैं तो बता ही दीजिए। यहाँ ध्यान दो, अगर मान लो बी का चिन्ह आपका माइनस आ गया तो क्या करोगे? पहली बात, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कैसे पंजाबी बोलते, रहन दो पंजाबी रहन दो। यहाँ देखो, अगर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, ये तो आपका सेम ही रहने वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सेम ही रहने वाला, तब क्या चेंजेज होगा भैया? जहां जहां भी होगा वहां समझ के चलना है आपका, यहाँ जहां जहां भी है समझिएगा वहां पर माइनस लगा हुआ है। हाँ भैया, बी यहाँ पर है और यहाँ पर है, अच्छा मतलब परिवर्तन इसी दोनों में होने वाला, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इस तीनों में से परिवर्तन सिर्फ इस दोनों में होने वाला, बिकॉज बी का चिन्ह माइनस लिए हुए। आप खुद सोचो, बी माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही, अर्थात माइनस टू ए बी हो गया। यहाँ पर बी माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस टू बी सी हो गया। यहाँ पर बी भैया है ये ना है तो चेंज नहीं होगा। बताओ समझ में आ रहा है किस प्रकार माइनस प्लस हो रहा? आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सब कुछ खुद ब खुद हो जाने वाला। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा, भैया अगर सिर्फ और सिर्फ ए माइनस में हो गया तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा आप बोलोगे, भैया इस तीनों पर तो कोई फर्क ही नहीं, मतलब फर्क ही नहीं पड़ने वाला, अभी पंजाबी नहीं बोलना ठीक है, भैया इस तीनों पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस तीनों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए जहां जहां होगा उस पर फर्क पड़ेगा, ए कहाँ कहाँ है भैया? भैया ए यहाँ है, ए यहाँ है, सिर्फ इस पर फर्क पड़ेगा, अर्थात ए की जगह मेरा माइनस आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस टू ए बी, यहाँ पर ए है ही नहीं तो प्लस टू बी सी हो जाएगा, यहाँ पर ए है तो माइनस इंटू प्लस माइनस टू ए सी हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सा समझ में आ जाएगा, इतना प्यारा प्यारा फॉर्मूला है, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है, वो आप समझ जाओगे, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होने वाला। मैं ये फॉर्मूला पूछने वाला हूँ आपसे, ध्यान में रखना, मैं फॉर्मूला पूछने वाला हूँ। अगेन 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 आगे देखोगे भैया, आगे देख रहे हैं, और पूछिए भैया, पूछिए हमसे। अगर सोचो हम जो है अब बी और सी को माइनस कर रहे हैं, ठीक है बी और सी को माइनस कीजिए भैया, देखते हैं आप क्या रिजल्ट होता है, आप क्या जवाब देते हो। तो सिंपल सा सुन लो, आज के बाद से एक बात सुन लेना है आपको, क्या रफ निकालोगे? हाँ भैया रफ निकाल लेंगे, पहले सिंपल सा ये फॉर्मूला लिख लोगे, ठीक है फॉर्मूला लिख लिया, क्या है फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो आप याद किए, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ये फॉर्मूला लिख लिए जो हम याद किए थे। यहाँ बी और सी माइनस में है ना, जहां जहां बी दिखेगा वहां पर माइनस बी लगाओगे, कोष्ट डाल करके, जहां जहां बी दिखेगा जहां जहां सी दिखेगा वहां वहां आप माइनस बी माइनस सी लगाओगे, ठीक है बात समझ रहे हो? कैसे आप करोगे, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने होंगे, अगर मन में करना चाहोगे इसको मन में भी कर सकते हो, अभी हम मन में भी करके दिखाएंगे, पहले हम लिख के दिखाते हैं आपको कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है, पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ फिर आप समझोगे। जहां जहां बी और सी दिखेगा वहां पर आपको माइनस डालना है, ठीक है? हाँ भैया डाल दिए, देखो बी यहां था माइनस बी डाल दिए, क्योंकि यहां माइनस बी था और माइनस सी था, जहां जहां बी दिखेगा वहां माइनस बी, जहां जहां सी दिखेगा वहां माइनस सी, माइनस सी माइनस सी। अब इसको सॉल्व कर देना है, यहाँ प्लस इंटू माइनस करेंगे तो मेरा माइनस टू ए बी हो जाएगा, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, टू ए सी हो जाएगा। इस प्रकार आपको समझना है किस प्रकार इस तीनों में परिवर्तन होने वाला। अब इसको मन से करके दिखाते, अगर आपको मन में करना होगा तो किस प्रकार करोगे, देखो अब मन से करके दिखाते हैं। सिंपल सा इस फॉर्मूले को देखोगे, जो फॉर्मूला आपको याद है, देखो यहाँ पर ए बी है, बी का चिन्ह माइनस था और सी का चिन्ह माइनस था, इसको समझ के चलना, ये माइनस है, हाँ भैया माइनस इंटू प्लस माइनस, चिन्ह चेंज हो गया माइनस, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन होगा, संख्या सेम रहने वाला। भैया वही तो सबसे बड़ा समस्या है, चिन्ह ही परिवर्तन हो जा रहा है, परेशान मत। यहाँ देखो अगेन अगेन, बी और सी मेरा दोनों माइनस में है तो दोनों लड़ झगड़ के खत्म हो जाएगा, अर्थात माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, चिन्ह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। यहाँ पर सी माइनस है तो माइनस इंटू प्लस आपका माइनस होने वाला, टू ए सी। इस प्रकार हम लोग करते हैं, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। मैं कुछ बनाने देने वाला हूँ, उसको बनाओगे और चिन्ह चेंज करके दिखाओगे अभी, ठीक है? आपको चिन्ह चेंज करके दिखाना है, उसका हम सॉल्यूशन नहीं बताने वाले, वो हम चेक करेंगे भैया, ठीक है? लिख दीजिए यहाँ पर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बताओगे क्या होगा? अगेन ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बताओगे क्या होगा? अगेन 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 माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होगा बताओगे मुझे आप? ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीनों क्वेश्चन हम चेक करने वाले हैं, क्या आप सीखे हो या नहीं सीखे हो, इस ये बात मुझे पता चल जाएगा। अगर नहीं सीखे हो तो मैं फिर से सिखाऊंगा, ठीक? आगे देखोगे, आगे ध्यान दोगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज कौन सा डेट हो गया, हम डेट याद दिला ही देते हैं आपको हर बार, ठीक है? आज हो गया आपका 11 अक्टूबर ना,
हाँ जी, आज 11 अक्टूबर हो गया और 20 अक्टूबर पूर्णे मतलब 20 अक्टूबर होने में ज्यादा दिन बचा नहीं है और हम लोग कहाँ पे हैं आपको ही पता है, ठीक है। हम लोग, मैं भी अपना स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आपको भी अपना स्पीड दोगुने क्या, बहुत ज्यादा आपको स्पीड अपना बढ़ाना होगा, ठीक है। देख लो, ये मत सोचो कि हम वहां तक मतलब 20 तारीख तक में जो है, हम आपसे ही पूछ करके ये डेट फिक्स किए थे कि हाँ हाँ जी हम लोग जो है ना 20 अक्टूबर तक में जो है, हम लोग खुद ये डिसाइड किए थे ना, जो डिसाइड एक बार हम लोग कर लेते हैं, हम लोग पूर्णतः प्रयास करते वहां तक पहुंचे तो पहुंचे। हम लोग ये प्रयास किए थे कि 20 अक्टूबर तक में हम लोग 45 लेक्चर तक पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, ऐसा मन में ठान करके विश्वास के साथ जो है अपने पढ़ाई को चालू किए थे, ठीक है। और हम लोग काफी पीछे, तो अपने स्पीड को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब मन में ये मत सोचना हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। आपको ये सोचना है अपनी तरफ से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से आपको पूरा प्रयास करना है, ये मन में कभी नहीं आए कि हम जो है 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में जो है पूरे 20 दिन का समय था और हमको मात्र 15 लेक्चर ही कंप्लीट करना था। अब मन में ऐसा सोच के नहीं चलना है आपको कि हम मेहनत नहीं किए, ठीक है। बचा है जितना भी दिन बचा होगा, भले ही इससे पहले आप जो है कुछ विशेष कार्य के कारण जो आप पढ़ाई नहीं कर पाई, ये अलग बात है, लेकिन जितना दिन बचा है मन में ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हाँ बचे दिन में हम मेहनत नहीं की। आपको मेहनत करना है, बस एक मैंने क्या कहा, मात्र 2 घंटा, बस 2 घंटा आप मैथ के पीछे इस वीडियो के पीछे दे दो, ठीक है, आप काफी आगे निकल जाओ, ठीक है। लेकिन 2 घंटा अच्छे मन से देना है आपको, पूरा मेहनत के साथ 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो ना कि सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई के पीछे ध्यान होना चाहिए और कुछ वो ध्यान नहीं होना चाहिए आपका, इस बात को समझ के चलना। सिर्फ पढ़ाई 2 घंटे के लिए, 2 घंटे अलग बहुत सारा काम है करने के लिए, जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन जब 2 घंटे पढ़ाई करो ना, पूरा पढ़ाई में लीन हो जाओ, ठीक। अगेन मेरी बात को आप समझ गए होंगे। वैसे 11 अक्टूबर की बात करें ना, ये तो और अच्छा दिवस है, आज का दिन आप लोग के लिए ही है। ये आज है क्या, आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, हाँ जी इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना क्या मनाया जाता आज, मतलब बालिका दिवस मनाया जाता है। मतलब आज कौन सा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता इसके बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बता देंगे, परेशान नहीं होना है आपको। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, हम लोग बोल सकते इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। आज 11 अक्टूबर का दिवस है, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये क्यों मनाया जाता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर पूरे विश्व लेवल पर इसलिए मनाया जाता है कि जो मेल है और फीमेल है ना उसका रेशो सेम बना रहे, ठीक है। आप हरियाणा स्टेट देख लो, वहां पर क्या है 1000 पुरुष में कुछ 867 महिला है, कुछ इसमें एक दो कम भी हो सकता है, आप जनगणना देखोगे कुछ आपको इतना ही दिखने वाला है। मतलब इतना कम क्यों होगा, इसको 1000 है तो 1000 लगभग 1000 के करीब में होना चाहिए। इस कमी का कुछ रीजन जो है ना, हम लोग जागरूक नहीं है, बस उसी जागरूकता को हम सबके बीच फैलाने के लिए ये जोर शोर से 11 अक्टूबर का दिवस मनाया जाता है। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है इसके बारे में आपके सामने कुछ 2 बातें रखी जाए और आपको इसके बारे में समझना है, सीखना है, ठीक है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो क्या, सुन लो, आज जो है लैंग्वेज वाले सवाल में जो आज अंतिम क्लास होने वाला, तो आप एक काम करोगे, यहाँ से 10 क्वेश्चन, हाँ जी 10 क्वेश्चन लैंग्वेज वाले सवाल में जो है ना आपको इक्वेशन तक पहुंचना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक जो है आपको लैंग्वेज वाले सवाल में पहले वहां तक पहुंचना है। 10 सवाल ऐसा बनाओगे उसके बाद ही आपको आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करना है। अब जब मैं बोल रहा हूँ उसको समझना है, सीखना है, मैंने कहा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना भी लैंग्वेज वाला सवाल मैंने बताया है अभी तक, उसमें से 10 क्वेश्चन जो है, जो आपको लगता है हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ दिक्कत हो रहा है, उसमें से कोई सा 10 क्वेश्चन आप लोगे उसका आप इक्वेशन तक पहुंच जाओगे। आपको मैं सॉल्व करने नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन तक पहुंच जाना है, बस हो गया। आगे नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, परेशान मत होना, पहले यहां तक पहुंचो। कितना देर लगेगा अधिक से अधिक आपको, अच्छा अगर अभी आप क्लास कर रहे हो तो क्लास कंप्लीट कर लो, लेकिन बाद में कभी आप इस पर जरूर समय दोगे। 10 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क ही रहा, मैं चेक करने वाला हूँ, लो अभी नहीं तो बाद में ही सही, 10 क्वेश्चन में चेक करने वाला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सोच लो, मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं बनेगा सोच लो, मैं बहुत डांटने वाला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10 क्वेश्चन जो आपको बहुत टफ लगता है, ठीक है, जो कि समझ में नहीं आ रहा, आपको इक्वेशन तक पहुंच के छोड़ देना इसको। अब ये नहीं छाप लिए पूरा, वो नहीं, आपको खुद समझना है, पहले खुद बनाओगे, नहीं समझ में आएगा फिर देख के समझोगे फिर बनाओगे अपने मन से बनाओगे। इस प्रकार 10 क्वेश्चन करना है आपको, और याद रखना 10 क्वेश्चन करो इसको,
हम लोग जब चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सब पढ़े हैं ना, तो हमारा पूरा कर्तव्य बनता है इससे आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए, कोई सा क्वेश्चन ना छूटे। हमारे तरफ से इतना बस इतना सा आपसे छोटा सा मांग है, और हमारी मांग की पूर्ति करिए। मैं क्या कर रहा हूँ मतलब हमारी मांग की पूर्ति आप मतलब हमारा मांग आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब एक से लेकर चार तक जो है आपको इस अनुसार पढ़ लेना है कि इससे कोई सा क्वेश्चन बाहर ना जाए आपके क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। मजाक बन रहा, हम लोग यहाँ पढ़ाई करेंगे, ठीक है, बात को समझना है। एक से लेकर चार चैप्टर ही पढ़े हैं, लेकिन चार चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन हमारे बैंक हमारे क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस चार चैप्टर से हर एक क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए। आपका एग्जाम शायद 17 तारीख को है ना कि 14 तारीख को है, कुछ इसी डेट को है। इस चार चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए, इस बात को समझना, ठीक है। जहां पर डाउट होगा तो अभी पूछ लो हमसे, एग्जाम में पूरा प्रयास करना है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा तो नहीं, जितना मैंने बताया उसी में से आने वाला। जिस प्रकार मैंने पढ़ाया अगर उस प्रकार आप पढ़े होगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। अगर 7 क्वेश्चन डेली आपका बन रहा होगा, याद रखना, अगर 7 क्वेश्चन डेली बन रहा होगा आपका, 7 क्वेश्चन जो बनाते हो ना आप उसमें 4 क्वेश्चन पॉलिनोमियल से बनाते हो, पॉलिनोमियल पे आपका अच्छा कमांड हो चुका है, इस बात को आप समझ लो। अब पॉलिनोमियल से थोड़ा बाहर निकलो, आप कोशिश करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है आपके सामने, तो आप एक काम करो ना, आप इस पर अधिक समय दिया करो, ठीक है ना। आप एक काम कर सकते हो, 4 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से बना लिया करो, ठीक है, यहां 4 क्वेश्चन दे दिया करो, लेकिन आपको पॉलिनोमियल से 2 क्वेश्चन करो या 1 क्वेश्चन करो, ठीक है। डिवीजन आप खुद कर रहे हो ना, आपको जो टफ लगता है ना उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनाना है, जो आसान लगता है उसे आपको कम क्वेश्चन बनाना है। इस प्रकार आपको खुद में अपने आप लेके चलना है, हम किस प्रकार रिविजन करेंगे कि मेरा सारा चैप्टर हो जाए, लेकिन हाँ जो नया चैप्टर आ रहा है ना उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनाना है। आपको पता है चैप्टर फर्स्ट आप पूरा बना चुके हो एक बार, दूसरी बार बना रहे हो तो एक क्वेश्चन करोगे तो कोई बात नहीं, चैप्टर सेकंड भी आप जो है एक बार पूरा बना चुके हो तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करेंगे तो काम बन जाएगा। चैप्टर थ्री आपका अभी तक नहीं बना है पूरा, चैप्टर फोर आपका अभी तक पूरा नहीं बना है, तो आपको इस पर अधिक जोर देना है। कम से कम जो एपी स्टार्ट होगा ना, एपी स्टार्ट होने से पहले आपका एक बार चैप्टर 3 पूरा बनना चाहिए और एक बार चैप्टर 4 पूरा बनना चाहिए। अब किस प्रकार आप 7 क्वेश्चन करोगे, ज्यादा लोड भी ना पड़े, आराम आराम से चले, लेकिन मेरा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पूरा बन जाना चाहिए एपी का, एक दो क्लास करते करते आपका। अब किस प्रकार आप 7 क्वेश्चन में उसको कंप्लीट करोगे, 4 क्वेश्चन किस पे करोगे, 3 क्वेश्चन किसे करोगे, या 7 क्वेश्चन से आप ज्यादा बनाओगे, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ ये मान के चलना जो एक बार आप पूरा बना लियो, मतलब अगर आप पॉलिनोमियल पूरा बन गया तो इसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन पूरा नहीं बनाया तो आप इसे 4 क्वेश्चन करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा नहीं बनाया इसे आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किया करो, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दो अधिक हो रहा है तो आप, ठीक है, बात को समझना। अगर ये 7 क्वेश्चन रेगुलर अब तक कंटिन्यू चल रहा होगा ना, एग्जाम बेहतर जाने वाला। और जो मैं 5 लाइन देता हूँ याद करने के लिए, ये आपका 400 मार्क्स डिसाइड करने वाला, याद रखना, जो आपका 400 मार्क्स होगा ना इसी 5 लाइन जो आप याद करते हो उससे होने वाला है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। जो मैंने समझाया उसको अपने मन में रख करके आपको पढ़ाई करना है। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे आप। मेरे ख्याल से आप मेरी सारी बातों को समझ गए होगे, अब यहाँ ध्यान देना है आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और पहले क्वेश्चन को बहुत आराम तरीके से आराम से बनाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया पहले ये समझना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना लैंग्वेज वाला सवाल, तो पहले समझेंगे उसको, क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या फाइंड करना, बस इतना समझ जाएंगे ना वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाने वाला। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ना समझना चाहोगे एक बार समझ सकते हो, क्वेश्चन को लिख लो एक बार और एक बार खुद से प्रयास करो ना इसको समझने का, समझ में आएगा आपको, ठीक है, प्रयास तो करो। अब देखोगे हम एक बार हम आपके साथ मिलकर के क्वेश्चन को पढ़ते और समझते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट कहा गया है कोई एक फ्रैक्शन है, जब भी फ्रैक्शन कहा जाएगा आपको पता है वो एक्स बटे वाई के रूप में होगा, मतलब एक्स बटे वाई के रूप का ही होने वाला, बिकॉज यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ कोई फ्रैक्शन है और स्पष्ट कहा गया है इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, अच्छा इसका डिनोमिनेटर कौन है भैया, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता, बहुत अच्छे, ये मेरा डिनोमिनेटर, मतलब ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया, ये मेरा न्यूमिनेटर हो गया, ठीक है जी। स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा गया है कि जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होने वाला वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर, मतलब इसका मतलब अगर समझ जाओगे 1 मोर देन ट्वाइस, इसका मतलब अगर समझ जाओगे ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाने वाला। यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है 1 मोर देन ट्वाइस, इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस से एक ज्यादा, मतलब समझिए, ट्वाइस से एक ज्यादा मतलब हुआ अगर दो गुने से एक ज्यादा, अगर मेरा x है कोई वैल्यू, अगर इसमें बोला जाएगा इसका 1 मोर देन ट्वाइस, तो x का दो गुना करना है उसमें एक जोड़ देना है, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा 2x plus 1, मतलब x का ट्वाइस कर लिए
फिर इसमें मोर देन वन करना है, प्लस वन कर दिए। इसका मतलब ये होता है, अगर इसको समझ जाओगे तो और क्या ही है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला। देखोगे आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, क्वेश्चन में ये कहा गया है जो भी डिनोमिनेटर है, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, वो जो है न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है, ट्वाइस से एक ज्यादा होने वाला। अच्छा भैया, न्यूमरेटर से ट्वाइस से एक ज्यादा होने वाला, अर्थात 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 अगर इसका न्यूमरेटर x लेते हैं तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2x प्लस 1 हो जाएगा, दो गुने से एक ज्यादा हो जाएगा, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। अगर इसका न्यूमरेटर हम y ले लेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो y के दो गुने से एक ज्यादा हो जाने वाला, लेकिन हम लोग x ही लेके चलेंगे। आपकी इच्छा, आप y भी लोगे तो सेम आपका रिजल्ट आने वाला, जहां जहां x है वहां y आपको यूज करना है। ओके, ये पहला कंडीशन आपके सामने है, पहला जो केस है, जो कंडीशन है, ये आपके सामने आ चुका। हम लोग का यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है जो किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो जो है न्यूमरेटर से जो है ट्वाइस से एक ज्यादा होने वाला। बहुत अच्छे। सेकेंड कंडीशन ये कहा गया है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल, अर्थात इस फ्रैक्शन, जो ये फ्रैक्शन है और इसका जो रेसिप्रोकल होगा, दोनों का सम ये दिया हुआ है। लो, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे। मतलब जो हम लोग का ये फ्रैक्शन बनाना, ये फ्रैक्शन आप लिख लो और इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसका सम कर देना। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2x plus 1 by x, इसका सम करेंगे तो वो इसके बराबर होने वाला, 2 इंटीजर 16 by 21। बताओ और क्या ही चाहिए आपको। तो लिखना है आपको 2 इंटीजर 16 by 21, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 42 plus 16 कितना हो जाएगा भैया, इससे आसान क्या ही होगा, 58 by 21 हो गया। ठीक है, अब बताओ इससे आसान कुछ होगा, ना इससे आसान कछु ना होने वाला, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और बना लेना है, ठीक बन जाएगा ये क्वेश्चन आपका, बहुत ही आसानी से बनने वाला। इसको आप सॉल्व करोगे और बनाओगे तो पहले एक बार खुद से प्रयास करो, मेरे ख्याल से बनेगा आपसे, कहीं कोई समस्या ना होने वाला। तो एक बार बनाओगे खुद, मैं तो बनाने ही वाला हूँ, आप परेशान ना होना, यह मानेंगे। लेट सॉल्यूशन हम कर रहे हैं पहले नंबर का, हम लोग मान लेते हैं किसको, न्यूमरेटर को मानते हैं एक्स। लेट न्यूमरेटर क्या लिख रहा है, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड एक डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या कहा गया है, ट्वाइस से एक ज्यादा बी 2x प्लस फर्स्ट, फिर मतलब 2x प्लस 1 हो गया अगेन, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो द फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है x बाय 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल, उसको सम करेंगे, ये फ्रैक्शन है हमारे सामने x by 2x plus 1 और इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2x plus 1 by x, दोनों को सम करेंगे तो इतना होने वाला, अर्थात इतना होगा 58 by 21। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेशन करते समय ध्यान नहीं भटकना चाहिए, इस बात को समझना, और हम भी कैलकुलेशन करते समय कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहने वाले, तो आपको भी सीरियस रहना है। यहाँ देखो, सारा ध्यान यहाँ पर रखोगे, इसका हम लोग जो है एक काम करते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं, 2x plus 1 इंटू एक्स, डिवाइड किया x, x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, प्लस x से डिवाइड किया, इतना हुआ इसका मल्टीप्लाई के साथ, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 58 बाई 21। अभी इसको और सॉल्व करने वाले, यहाँ सॉल्व ही किए देते हैं इसको, ठीक है, ये सिंप्लीफाई नहीं होने वाला, इसको सॉल्व किए देते हैं। यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर प्लस x हो गया, और ऊपर पे देखते हैं x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दो गुना 2x गुना 1 कितना हो जाएगा 4x। हाँ जी, इसको आप सॉल्व करो ना, इसमें क्या ही समस्या है आपको, इसका स्क्वायर करेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, इसको सॉल्व करना है 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुनी 4 4x हो गया, इतना ही तो लिखे हम, देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 58 बाय 21 हो गया, अगर चाहते हैं तो पपे, हाँ हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, मेरा 5x स्क्वायर हो गया प्लस 4x
प्लस वन हुआ, अगर यहाँ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पर इक्वल टू 58 बाई 21 हो गया। हाँ भैया, अगेन इसको सॉल्व करेंगे, नोकानों की गुना करते हैं हम लोग। इससे पहले वाले वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक है। अगेन इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है, ओके। कल हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, कल किसी कारणवश पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से खुद से बनाने का प्रयास करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ आपको लिखना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ लिखना है, सबको एक साइड लाना है और इसको सॉल्व करना है। फिर वहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आराम से सॉल्व करोगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। उम्मीद करते हैं सॉल्व आप कर लिए होगे। अब यहाँ ध्यान दोगे क्या होगा क्या नहीं होगा रिजल्ट, उसको समझना है और बड़े नम्रतापूर्वक इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। देखो कैसे क्या होगा, 58 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 116 एक्स स्क्वायर हो गया, इस x का मल्टीप्लाई 58 के साथ किए प्लस 58x हो गया इक्वल टू 21 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे, ठीक है। 105x स्क्वायर अगेन 4 का मल्टीप्लाई 21 के साथ तो 84x प्लस 21 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। अगेन सबको एक तरफ लेके आते हैं, यहाँ पर सब आपका प्लस में है, जैसे ये हमारा बराबर के इस तरफ आएगा सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा भैया, ये सब कुछ हमें पता है, बहुत अच्छे। अगेन यहाँ पर पहले सबको हम लोग लिख लेते हैं जो बराबर के इस साइड है, लिख लिए ना, बिल्कुल सही। अब बारी बारी से हर एक टर्म को बराबर की इस तरफ लेके आते हैं, 105x स्क्वायर यहाँ पर माइनस 84x और माइनस 21 इक्वल टू 0 हो गया, सबको इधर लेते आए तो इधर कछुना बचा, इसलिए इक्वल टू 0 हो गया। अगेन एक्स स्क्वायर के टर्म में एक्स स्क्वायर का टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इसके टर्म में इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले, बाकी सॉल्व करने वाले। 116 हम 105 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का 11 बचने वाला, 11x स्क्वायर, ठीक है। अगेन इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ही होगा भैया, सिंपल सा 4 है, 4 में 8 सब्ट्रैक्ट ना ही होगा, तो यहाँ पर इसे हम लोग पता है ना पैचा वाला घटाओ, हाँ भैया पता है हमें, तो उसको सॉल्व करो, इसको ये हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो कैसे क्या करना है समझना है, यहाँ पर 6 हो गया, हाँ जी 7 5 26 यहाँ हो गया, यहाँ माइनस का, यहाँ एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 21, तो माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इस यहाँ मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आराम से सॉल्व करोगे और हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जाए, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है 11, इसका मल्टीप्लाई हम लोग 21 के साथ करेंगे, करो 21 के साथ, तो भैया मेरा हो जाएगा 1 2 3 2 231 हो रहा है, अर्थात यहाँ पर 231 माइनस 231 आ गया, बीच में आपका माइनस 26 है। अब इस माइनस 26 को आपको दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका हेल्प ले करके करते हैं, एक बार खुद से प्रयास करो, ठीक है। अगर प्रयास नहीं किए तो खुद से प्रयास करो, हम आपके लिए रुक रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपका आप जो है कम से कम खुद से प्रयास किए होंगे और दो टर्म ऐसा जरूर निकाले होंगे जिसको सॉल्व करने के बाद मेरा माइनस 26 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका माइनस 231 आ जाए, बिल्कुल आपका यहाँ तक तो काम हो ही गया होगा। अब एक बार मिला भी लो आप सही किए हो या गलत किए हो, यहाँ पर देखो 23 मतलब यहाँ पर 231 था ना, हाँ भैया इसको सॉल्व गलत है, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करने वाले करते हैं, किसके टेबल में आएगा भैया, ये किसके टेबल में आ रहा, 3 2 5 1 4 10 के टेबल में आएगा, 3 7 21 3 7 21 7 11 11 11, ठीक है। अरे अरे ये क्या हो रहा, अगर इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए 21 हो गया और 11 हो गया, इस दोनों का ऐड करेंगे तो मेरा 26 नहीं होने वाला, हटाइए इसको, आराम से। अगर इस दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए 33 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे क्या 26 आएगा भैया, हाँ घटाने के बाद तो 26 आ जाएगा, बिल्कुल 26 घटाने के बाद आएगा, लेकिन यहाँ माइनस 26 है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का सिंबल यहाँ पर प्लस का सिंबल यहाँ करने वाले, तो यहाँ मेरा माइनस 26, ये आपको खुद से ही दिमाग यहाँ पर लगाना होगा, जो आप सोचोगे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पर आप
कोई दिमाग ना लगाओ, ऐसा ना होने वाला। यहाँ पर आपको खुद से अपना ब्रेन यूज करना होगा, इसलिए हम बार बार कहते जब भी फैक्टराइजेशन सॉल्व करो ना, अपने से प्रयास करो सॉल्व करने का। ओके, यहाँ देखो हम लोग जो है -26 को -33 और +7 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और हम लोग देख रहे हैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होने वाला, और ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद इतना ही होने वाला। आराम से हम लोग -26 को डिस्ट्रीब्यूट करके बनाएंगे, अगर अभी भी नहीं बनाएंगे तो खुद से बनाने का प्रयास करोगे। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करते, क्या होता क्या नहीं होता वो समझते हैं। -33x +7x -21 =0 कर दिए, यहाँ से आपका जो है कॉमन आएगा 11x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचा, यहाँ -3 बचा, ठीक है। यहाँ पर सेम जो x -3 है इसको एक बार फिर से अपने मन से x -3 को लिखने वाले। अच्छा भैया लिख लिए, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें जो x के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद +7x हो जाए। भैया यहाँ पर आप +7 लिख दीजिए ना, बहुत अच्छे, आपसे यही उम्मीद था आप सही जवाब दोगे। यहाँ पर =0 की है, इसको आप सॉल्व करोगे और बड़े आराम से सॉल्व करने के बाद x का क्या ही रिजल्ट होता है ये आप बता सकते हो। हाँ इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते, ठीक है, आराम से बता सकते हो। इतना हम लोग पढ़ने के बाद अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो समस्याएं हैं, ठीक। चलो यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर दोनों से x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो मेरा 11x प्लस 7 मेरा कोष्ट में आने वाला। देखो कैसे क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 11x प्लस 7 आ रहा है आपका =0। बारी बारी से हर एक टर्म को 0 के बराबर करेंगे और x का मान हम लोग का निकल जाने वाला। भैया बात तो सही कर रहे हैं आप, तो करते हैं ना, therefore x माइनस 3 =0 किए तो यहाँ से x =3 आ गया। अगर इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो हम लोग का x का मान -7/11 आ जाएगा, जो कि निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है हमको, ले सकते हो ना। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन आपको तो पता होगा, फ्रैक्शन हम तभी कहते ऊपर, हमको फ्रैक्शन में हमेशा 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 पता है आपको निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। फ्रैक्शन का डेफिनेशन भी हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, अर्थात यहाँ पर रिजेक्टिंग दिस वैल्यू हो जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है फ्रैक्शन क्या होता, ठीक है, उसमें हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं लेते, ठीक है। रिजेक्टिंग ये क्या कर रहे हैं, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, तो हम लोग सिंपल सा 3 लेके चलेंगे, hence the fraction, fraction ही निकाला है ना। हाँ भैया, hence the fraction क्या हो जाएगा, x by 2x plus 1, x का मान 3 put करो, यहाँ पर 3/7 हो गया। बस इसी तरह छोटा मोटा काम आपको करना होता है। मेरा पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, आपका परम कर्तव्य है जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हो पैरामीटर वाला, आपका परम कर्तव्य क्या है। भैया हमारा परम कर्तव्य है कि जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हमारा प्रयास रहेगा पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का। जरूर आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके भैया क्वेश्चन को सॉल्व किए देते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मुझे ये बताओगे, हाँ जी, कि जो आपका एग्जाम जो 17 तब है, 17 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को, देखो हम भी कंफर्म हो जाएंगे, जो 17 अक्टूबर को जो एग्जाम है ना, इसमें जो है मैथ के अलावा जो है कम से कम हर एक सब्जेक्ट पर जो आप 5 लाइन याद करके सुनाते हो ना, थोड़ा उसको और बढ़ाना है आपको, ठीक है। हम बस वही सोच रहे थे कब से इस बात को बोलने के बारे में। वैसे आपको ये बात कहना नहीं चाहिए, आप हमेशा जब भी हम आपको देते याद करने तो आप 5 लाइन से ज्यादा ही याद करके सुनाते हो, तो वो अच्छी बात है, ठीक है, आप याद करो, ठीक, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक याद करो। अगेन यहाँ देखोगे आप, यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया सिर्फ इसको समझ लेंगे, और ये सबसे मतलब ये लैंग्वेज वाले सवाल में ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसको अच्छे तरीके से देखना है और अच्छे तरीके से बना करके इसको खत्म करना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे आप, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बोला गया है, क्या बोला गया पहले उसको समझते हैं, आप समझ लिए होगे पढ़ करके, बिल्कुल समझ लिए होगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ बोला गया था पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल, जो भी राइट एंगल है ना उसका पेरीमीटर कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो भैया पहले आप एक राइट एंगल बनाइए तो सही, बिल्कुल बनाएंगे। यहाँ देखो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा राइट एंगल है, ठीक है, जिसमें से राइट एंगल कौन सा एंगल है, ये आपका राइट एंगल है। इस राइट एंगल का जो पेरीमीटर दिया हुआ है, वो पेरीमीटर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिख लेंगे ना, पहले हम समझ लेते हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक, और क्या दिया हुआ, और दिया हुआ इस हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, ये आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगेन फिर दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमको एरिया फाइंड करना है,
बस इतना सा ही दिया हुआ, अरे कछु ना दिया हुआ। अरे रे, ये तो हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी किया गया है, हमें यार कछु ना दिया गया, नाइंसाफी कछु ना किया गया। यहाँ समझिएगा, आपको ये समझना है, ठीक है, बात को समझना है आपको, सिर्फ और सिर्फ समझो और कछु ना। अगर ये हमारा क्या है, बेस है ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ए बी और सी। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ट्रायंगल है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना है कैसे क्या कर रहे हैं, ड्रॉइंग आपको बनाना है, ठीक है। हाँ, यहाँ लिखिएगा क्या लिखना है, उस बात को समझोगे। हियर ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे लिखो, हियर द गिवन, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको द पेरीमीटर ऑफ, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है भैया जी, हमको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिंपल सा पेरीमीटर क्या होता है, सबको ऐड करना होता है, जितना भी साइड दिख रहा है ना, सारे साइड को हमको ऐड करना होता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस 25 इक्वल टू मेरा 60 सेंटीमीटर हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या है तो पूछना है, ठीक है, पूछो भैया जी, हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, ये हो रहा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, पूछ सकते हो आप, जल्दी पूछो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, यहाँ से a प्लस बी का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, a प्लस बी क्या ही निकल जाएगा भैया, इस 25 को बराबर किस तरफ भेज देते हैं, तो 60 में हम 25 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना हो गया, तो सिंपल सा आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू निकल गया हमारा 35। ओके, ये हमारा बहुत प्यारा सा इक्वेशन फर्स्ट निकल चुका है। अब क्या दिया हुआ है, हमको एक चीज और दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस हम लोग का 25 दिया हुआ है। हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम आपको याद कर ही लेना है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी हाइपोटेनस होगा उसका जो स्क्वायर करेंगे वो बेस का स्क्वायर, पता है ना आपको, बिल्कुल पता होगा, बेस और हाइट दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, सिंपल सा, इस दोनों का स्क्वायर और ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है 25 के स्क्वायर के। इसको सॉल्व किए देते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 625। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है, हमको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हम जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके, समझना यहाँ पर अपना दिमाग लगाओगे तो जल्दी बन जाएगा, वो क्या समझोगे, अगर आपको कह दे कि भैया बताओगे, छोटे भैया कहते हैं, मेरी बहना बताओगे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है भैया, यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये वैल्यू दिया हुआ है, हम ए बी निकाल लेंगे बिकॉज हमको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 1/2 गुना बेस गुना हाइट अर्थात ए गुना बी होता है, अर्थात हाफ ए बी होता है एरिया का फॉर्मूला। यहाँ ए बी दिया हुआ है, हम हाफ ए बी का मान निकालेंगे, पहले ए बी ही निकाल लेंगे बाद में हाफ ए बी निकाल लेंगे। हाँ जी, ये तो बात बिल्कुल सही कर रहे हो, अगर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लें तो मेरा यू ही बन जाने वाला, वरना एक और तरीका क्या है, आप क्या ही कर सकते हो, आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो, आप a माइनस बी का वैल्यू निकाल सकते हो। हम याद पारो पॉलिनोमियल में ऐसा बनाए हुए हैं, अगर a प्लस बी है हमारे पास तो a माइनस बी किस प्रकार निकालते हैं, आराम से बनाए हैं, याद पारो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ये होता है ना। लेकिन यहाँ ए बी आपको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी भी आपको नहीं दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला ही प्रयोग करना है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे सब कुछ आपके पास है और आप यहाँ आराम से बना सकते हो, ठीक है, कहीं कोई समस्या, वरना एक और काम कर सकते हो, एक और तरीका है आपके पास, देख लो, सिर्फ तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, जो तरीका सही लगेगा वो तो उस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ ध्यान दो, एक तरीका क्या है, सिंपल सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, आप यहाँ से वैल्यू अलग करोगे इस फॉर्मूले से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से इसका वैल्यू अलग करोगे क्या हो जाएगा, सिंपल सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस पे इधर भेज देंगे, माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह पर ये आप वैल्यू लिख सकते हो, इसको यहाँ पर लिखोगे और सॉल्व करोगे, लेकिन हम इस तरीके से बनाने वाले, दोनों सेम तरीका है, ठीक है। यहाँ देखो, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, ओके,
इसके बाद देख लो ध्यान से समझना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए भैया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए, अब क्या करना है? सिंपल सा, वी नो डेट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है। सिंपल सा हम लोग क्या ही करेंगे वो समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू पुट करने वाले, कितना a प्लस बी 35 है ना, यहाँ 35 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है भैया 625 है ना, यहाँ पर 625 लिख लिए और यहाँ पर प्लस 2ab कर लिए। अब आराम से इस ab को हम लोग को अकेला करना है क्योंकि हमको हाफ ab का वैल्यू निकालना है। हाँ भैया ये तो हम आराम से बना सकते हैं, देखो कैसे बनेगा। इसको सॉल्व की देते यहाँ पर 25 तीन जो कि 12, अर्थात 12 25 इसका मेरा स्क्वायर हो गया। आपको आता होगा स्क्वायर करने, कैसे करते हैं, अगर अंतिम में 5 रहेगा उसका स्क्वायर करना होता है। सिंपल सा 5 का स्क्वायर की 25 हो गया, यहाँ 3 या 3 का एक अधिक से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौके 12, यहाँ 12 25 आपका निकल गया इसका स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हुए हैं शॉर्ट तरीका स्क्वायर करने का। अगर 45 रहेगा इसका स्क्वायर करना होगा क्या करेंगे, सिंपल सा लास्ट में 5 है ना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, स्टार्टिंग में 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई जस्ट इससे एक ज्यादा टर्म 5 से करना होता है, तो यहाँ 20-25 हो गया। बस इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे। अगर 55 का स्क्वायर रहेगा तो किस प्रकार रिजल्ट क्या होगा, इसको इस पर विचार करना है आपको, और कछु ना। यहाँ देखो, यहाँ पर मेरा 12-25 निकल गया 35 का स्क्वायर, इस 625 को इधर लेते आते हैं, यहाँ प्लस 625 है बराबर किस तरफ आएगा, तो -625 हो जाएगा इक्वल टू 2ab। भैया यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का ab का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल हम वही चाहते हैं। इसे 5 में 5 गया 0 हो गया, 2 में 2 गया 0 हो गया, अब 12 में 6 गया 6 हो गया, आराम से यहाँ से ab का वैल्यू निकल जाएगा। अगर निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा, इस 2 और ab के बीच यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ, यहाँ आप गलती समझते नहीं हो, यहाँ आगे में प्लस छिपा हुआ है, ठीक, आगे में प्लस छिपा हुआ है, इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, इस बात को समझना है आपको। मल्टीप्लाई को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो हम लोग का डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ए बी बराबर हो गया 600 में 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक। यहाँ तक समझ रहे हो अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझ रहे होगे। इसको सॉल्व करना, मेरा 300 निकल चुका है, ए बी का मान 300 निकल गया। अब आराम से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हेंस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सिंपल सा हाफ ए बी होगा, हाफ ए बी, और हाफ ए बी का वैल्यू 300 है, 300 पुट करेंगे मेरा 150 निकल गया, बस यही हमको निकालना था, 150 मेरा एरिया निकल चुका है, क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा है ना, एरिया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, हाफ मेरा निकल गया, कितना निकल गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक में कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा, हम आते हैं 2 मिनट में, यहाँ तक सॉल्व हो गया। एक बार इस 3 क्वेश्चन पर आप विचार करने का प्रयास करोगे, ठीक है, बिल्कुल सही, इस 3 क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। चलो मेरा 2 मिनट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, 2 घंटे में। यहाँ ध्यान दो, 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये मत पूछना भैया 2 मिनट जो गए थे 2 घंटे में कैसे कंप्लीट हुआ, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, 1 घंटे की वीडियो में इतना ब्रेक, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आज ही 2 मिनट आराम करने के आगे ऐसा नहीं लगा अभी उठाऊँ। यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है, इसको देखना है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, अब तीनों बता करके तब इस वीडियो को कंप्लीट करना है, चाहे पीछे कितना भी अलाव हो, कितना बैकग्राउंड नॉइस हो, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को, ठीक है, हम लोग को इस 3 क्वेश्चनों को आज इस लेक्चर में कंप्लीट करना है तो करना है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बहुत पार्ट्स में बनना है ना, कोई बात नहीं, परेशानी होगा तो आपको उतना परेशान नहीं होना है, सिंपल सा इसको आप सॉल्व करके ही हम लोग निकलेंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा देखने में, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है ना, तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करो, तो कैलकुलेशन में जितना ही परेशानी है सब खत्म हो जाने वाला, बिकॉज बहुत बेहतर कैलकुलेशन है 3 क्वेश्चन में, ठीक है, हम करके दिखाते हैं। अगर प्रयास करना चाहते हो 3 क्वेश्चन को जरूर प्रयास करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और भर भर के इसमें कैलकुलेशन भरा हुआ है, ठीक है, और कैलकुलेशन ऐसा भरा हुआ है ना, एक बार कैलकुलेशन सही से कर लोगे मजा आ जाने वाला, बिल्कुल मजा आ जाने वाला है, एक बार कैलकुलेशन करके देखो, प्रयास तो करो कम से कम कि भैया कैसे बनेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कैसे क्या प्रयास करोगे आप, एक काम कर सकते हो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन में, मैं आपको हिंट्स देना दे रहा हूँ, बस आप देख लो कैसे क्या करना है इसमें जो है ना। वैसे ये क्वेश्चन 2016 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है फर्स्ट स्ट्रिंग का होगा, ये सेकंड स्ट्रिंग का होगा, ऐसा कुछ होगा, या फिर ये अदर दैर्ध्य के बाहर पूछा गया होगा,
हम लोग नहीं लिखे, सिर्फ हम ईयर लिखे हुए, हमको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होता है, सिर्फ और ईयर लिख देते हैं आपको ये बताने के लिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको सीखना भी चाहिए इसी प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। पर ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड करने का क्या जरूरी था, पांचवा नंबर क्वेश्चन, हाँ आप परेशान हो जाओगे कैसे कैलकुलेशन करोगे, इस तरह क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए ना ही, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहिए आपके लिए। चिंता मत करो आपके एग्जाम में जो है ना अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है भैया, ऐसा मत बोलिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ आप खुद से प्रयास करोगे कम से कम। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप एक काम करोगे, जो अंदर वाला जो टर्म है ना उसको आपको एक टर्म मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, टी पी, बहुत सारा टर्म है इस तरीके जेड तक में, सिर्फ एक्स को छोड़ के मानना है, 2x बटे x माइनस 5 को यहाँ पर 2x बटे x माइनस 5, यहाँ साफ दिख रहा है। अगर इसका ऐसे सॉल्व करेंगे ना बहुत परेशानी होगा, कैलकुलेशन इतना होगा आप परेशान हो जाओगे। उस कैलकुलेशन से बचाने के लिए आपको कुछ सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, सोचो ना यहाँ ये टर्म और ये टर्म सेम है, अगर इसको कोई एक खास टर्म मान ले तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और इसको बनाओगे, जानते हो ये क्वेश्चन जो आपको चौथा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, चार नंबर क्वेश्चन, हाँ जी ये क्वेश्चन जो है ना मैंने देखा था, टॉपर का जो आंसर था भाई साहब क्या ही दिमाग वो लगाई थी, लड़की ही थी, क्या ही दिमाग लगा था उनका, मजा आ गया था देख करके, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग कुछ अलग तरीके से सीखेंगे, आप भी उनका सॉल्यूशन देख सकते हो, बहुत प्यारा सॉल्यूशन था। ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप शायद इसका सॉल्यूशन नहीं देखे थे, क्वेश्चन सिर्फ देखे थे वहाँ पर, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा सा है, इसको बनाओगे आसानी से बनेगा, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन तो मजा इसमें आने वाला चौथा नंबर क्वेश्चन बनाने में, ओके। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ट्राई करोगे, यहाँ पर आप y का वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। चलो हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर अपना संपूर्ण समर्पण देंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे और जरूर उम्मीद करते हैं इसको एक बार ट्राई आप जरूर किए होगे, इसकी जगह पर आप y पुट करके जरूर बनाए होगे। अब एक बार हम लोग भी इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन उतारना है उतार लो, क्या है क्वेश्चन, 2x बटे x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर है प्लस 5 इंटू 2x बटे x माइनस 5 का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, माइनस 24 है, माइनस 24 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर क्या करना है उसको समझना है, अगर बीच वाले टर्म को अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म हम लोग मान लेते हैं तो क्या होगा, चलो देखते हैं, पुट क्या करना है, मानना है ना, लेट 2x बटे x माइनस 5 इक्वल टू y, इसको y मान लिए, इससे क्या होगा, देयरफॉर इसकी जगह पे y पुट करते हैं, y स्क्वायर प्लस 5 इंटू y माइनस 24 इक्वल टू 0, ये तो आसान बन गया, आराम से y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे x का मान निकालेंगे, देखो ये तो बहुत ही आसान हो गया, इससे आसान कछुआ ना होने वाला, इसको बनाओगे खुद से बनाओगे, यहाँ पे 24 है, इसका आप जल्दी से फैक्टराइजेशन मेथड से y का वैल्यू निकालोगे, कैसे निकलेगा वो देखो, यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यहाँ पे 5 पुराना है ना, देखते हैं 5 पुटता है कि नहीं पुटता है, यहाँ माइनस 24 है ना, माइनस 24 मल्टीप्लाई 1 आपका माइनस 24 ही हो जाने वाला, अगेन बीच में 5 है, 5 को हम दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 24 के हेल्प से, चलो 24 के हेल्प से 5 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 5 पुराना है ना, कैसे होगा, 2 × 4 × 8 और यहाँ 3 है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते मेरा 5 हो जा रहा है, मतलब 8 और -3 के फॉर्म में इसको सब्ट्रैक्ट मतलब सॉल्व करना होगा, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें 5 को, 8 और -3 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा -24 होने वाला है। अपना ध्यान देना है कैसे कैसे क्या बना रहे हैं उसको समझना है, यहाँ देखो y स्क्वायर प्लस 5y को हम लोग लिख सकते हैं 8y माइनस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब आराम से हम लोग इस दो टर्म से कॉमन लेंगे, इस दो टर्म से कॉमन लेने वाले, यहाँ पर आपका y कॉमन आएगा, भैया यहाँ तो y कॉमन ले लिए, अब क्या हुआ देखो, यहाँ समझना, यहाँ y माइनस, यहाँ y प्लस 8 था सिंपल सा हो वो, यहाँ हम लोग y प्लस 8 उतार दिए, यहाँ पर माइनस 3y है, यहाँ पर y है, किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आप चीख चीख कर बोलोगे भैया हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो ना तो ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से y प्लस 8 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ y माइनस 3 बचा, y माइनस 3 हम लोग लिख लिए, भैया ये तो बहुत ही आसान था, आसान तो है, हमको लगा बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ये क्या था ये तो देखने में बोर लागे घाव करे छोटका छोटका, मतलब ऐसे मुहावरा होता है, छोड़ो मुहावरा, मुझे मुहावरा याद भी नहीं है अभी, यहाँ देखो हाँ मुहावरा कुछ और था, देखने में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ये जस्ट इसके अपोजिट मुहावरा होता है, हम लोग कुछ और मुहावरा बोल दिए पहन दो। वाई प्लस 8 को 0 के बराबर किए, यहाँ से y का मान माइनस 8 निकल गया, एक बार y माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से y का मान हम लोग का 3 निकल जाएगा। अब आप खुद सोचोगे यहाँ y का मान एक बार माइनस 8 निकला हुआ, यहाँ y का मान 3 निकला हुआ है, मतलब एक बार हम लोग y इक्वल टू माइनस 8 के लिए बनाएंगे, एक बार हम लोग y इक्वल टू 3 के लिए बनाने वाले, हाँ जी चलो लिखते हैं, तो लिखते हैं हियर
इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी पुट y इक्वल टू माइनस एट। अब एक बार माइनस एट वाई का मान पुट करेंगे और x का मान निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, 2x बटे x माइनस 5 इक्वल टू y, y का मान हम लोग माइनस एट पुट कर लेते, ठीक है, 2x बटे x माइनस 5 इक्वल टू माइनस एट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर 2 और 8 को यहाँ पर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 का मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लाई किया माइनस 8 गुना x तो माइनस 8x, माइनस 8 गुना माइनस 5 तो प्लस 40 हो गया ना, हाँ जी, सबको एक तरफ करें जरूर करेंगे, इस माइनस 8x को इधर लेके आएंगे तो आपका 10x बन जाएगा इक्वल टू 40 हो गया, यहाँ से x का मान निकालेंगे हम लोग का 4 निकल जाएगा। देखो कितना आसानी से हम लोग x का मान 4 निकाल लिए, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है हमें ये, ठीक है, सिंपल सा y का मान माइनस 8 पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2x, 2x हो गया, इस माइनस 8 का मल्टीप्लाई किए माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 गुना x 8x, 8 गुना 5 40 हो गया, इस माइनस 8x को बराबर किस तरफ लाएंगे तो 10x बन गया, 40 पहले से था, आराम से 40 में 10 से डिवाइड किए, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ था जो कि आप पहचान नहीं पाते हो, आपको पहचानने सीखना है, ठीक है, हमको उम्मीद लगता है ये आप पहले ही बना लिए होंगे, हम जो बोले यहाँ पर ऐसे से बनाना है आप वहीं पर सॉल्व कर लिए होंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ऐसा उम्मीद है आपसे, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, अपने से सॉल्व करने का प्रयास करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर आप इसको भी जरूर सॉल्व कर लिए होंगे, यहाँ पर वाई का मान आप 3 पुट करके यहाँ से एक बार और आप एक्स का वैल्यू निकाले होंगे, बिल्कुल निकाले होंगे, अगेन फिर से अगेन इन इक्वेशन फर्स्ट वी पुट क्या x y इक्वल टू ना y इक्वल टू 3, y का मान एक बार हम लोग 3 पुट करेंगे, हाँ 3 पुट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, y का मान 3 पुट किए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए देते हैं, ठीक है, करते ही है, क्या करें, 1 का मल्टीप्लाई कर लें या इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपकी इच्छा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 3x होगा, ये 2x होगा, 3x को इधर लिखेंगे 2x को इधर लेते आएंगे आसानी से, कोई नहीं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, दोनों सॉल्व, दोनों का सॉल्यूशन एक ही होने वाला, ठीक है, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करते कौन क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग, ठीक है, समझना, या तो पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो या तो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, हम कोशिश करते हैं क्या जो ग्रेटर होगा ना उसको इधर लिखने का प्रयास करते हैं, तो माइनस का झंझट नहीं होगा आपको, ये सोच के काम करते हैं, आप भी ये सोच के काम कर सकते हो, जो ग्रेटर होने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद पहले उसको लिखेंगे ना तो जो माइनस का झंझट होता है आपके लिए वो माइनस का झंझट नहीं होने वाला, ठीक है, बात को समझना। देखो यहाँ पर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई x के साथ, ये 3x हो गया, अगेन माइनस का माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 15 हो गया, इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 2x के साथ 2x हो गया, इस 2x को बराबर किस तरफ लेके आएंगे, तो ये तो बहुत आसान लग रहा है ना, आराम से 3x माइनस 2x मेरा x हो गया, इस माइनस 15 को बराबर किस तरफ ले तो 15 हो गया, x का मान मेरा यहाँ से 15 निकल गया, बताओ इससे आसान क्या ही होगा, यहाँ से x का मान 4 निकला, दो सॉल्यूशन हम लोग का निकल चुका है, ये तो बहुत ही आसान था, और 2016 में पूछा गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं देखने में अच्छा मतलब लग रहा है, हाँ बहुत डिफिकल्ट होने वाला, बनता बहुत आसानी से, कहीं वो टर्म वो काम तो नहीं कर रहे थे ना क्वेश्चन, हमारे साथ मजाक नहीं करना, बनना है लेट स्टेट से, ठीक है, थोड़ा परेशान करो, मतलब होता है ना कि हाँ भैया सोच रहे हैं बन नहीं रहा है, वैसा क्वेश्चन होना चाहिए, इस बार ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ ना, तो मिठा देने का, जैसे इस थर्ड क्वेश्चन को मिठा रहे हैं, भैया जी सवाल के साथ ऐसा मजाक मत कहिए, सीरियस ले लिया ना, आप परेशान हो जाइएगा, अरे हम चाहते हैं हम परेशान हो जाए एक बार, ठीक है, देखते हैं क्या चौथा नंबर क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल देखेंगे, अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन पहले उतारेंगे एक बार, हम प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास थोड़ा प्रयास मत करो, ठीक है, आप प्रयास मत करो, क्योंकि देखने से हमको लग रहा है इसमें कैलकुलेशन होने वाला है, बहुत गंदा सा कैलकुलेशन होने वाला है, तो आपको प्रयास नहीं करना है, ठीक, हम ही प्रयास करते हैं इसमें, आप पांचवा नंबर क्वेश्चन में प्रयास करना, इसमें हमको लग रहा है ये आसानी से बन जाएगा, बिकॉज यहाँ एक्स वाला टर्म है ना, इसको इधर लाएंगे तो एक्स सॉल्व होगा, ऊपर में मेरा ए और बी का फॉर्म बचेगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, ऊपर में आपका ए और बी का फॉर्म, शायद ए प्लस बी, यहाँ ए से डिवाइड किया बी यहाँ हुआ, बी से डिवाइड किया ए यहाँ हुआ, बी प्लस ए हो गया ऊपर पे, यहाँ पर आपका ए प्लस बी प्लस एक्स इधर चला जाएगा और यहाँ पर x इधर आएगा, माइनस x और प्लस x कैंसिल आउट, माइनस इंटू ए प्लस बी हो गया, a प्लस बी, हाँ ये बन जाएगा आपसे, कैलकुलेशन देख रहे हैं इसका ना, तो आसानी से सॉल्व हो रहा है, अंकित उठ जाओ, उठो, इसका कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व हो रहा है, ये बन सकता है आपसे, ठीक है,
अब यहाँ देखोगे चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें कि पहले इसको सॉल्व करके हटा दें हम लोग। भैया ये क्वेश्चन जो है ना हम चाहते हैं आप बनाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है अगले बार अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे ये सवाल बनना चाहिए। ओके, ये सवाल आप बनाओगे, खुद से बनाओगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन मात्र एक बार पूछा गया है तो रिपीटेशन का ज्यादा हो सकता है, रिपीट कर सकता है, लेकिन रिपीट करेगा नहीं। हम चाहते हैं कोई क्वेश्चन रिपीट ना करे, सब अलग अलग क्वेश्चन आए, मजा आ जाएगा बनाने में। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले से क्वेश्चन को उतार लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले कुछ एक्स्ट्रा दिमाग इसमें लगा सकते हो तो लगा सकते हो। आप सोचो क्या हम करें, अगर इस टर्म को इधर लेके आएंगे ना तो यहाँ पर तीन बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम के लिए, मेरा यहाँ एक्स क्यूब वाला टर्म आ जाएगा और हमको क्यूब से अभी कोई दोस्ती नहीं करना है, ठीक है। हम स्क्वायर के साथ ही खुश हैं, ठीक। अगर इस दोनों टर्म को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आपका सिर्फ वो टर्म स्क्वायर में ही रहने वाला, तो क्यों ना हम स्क्वायर में ही टर्म को रखें। जो भी काट छाट मतलब जो कटम कट्टी करना होगा वो स्क्वायर वाले टर्म के साथ ही करेंगे, हमको क्यूब अभी पसंद नहीं है। भैया जी आप पहले देख लेते हैं कहाँ पर क्या होगा, खतरे को पहले ही समझ लेना चाहिए, खतरा कैसे कैसे क्या होने वाला। आप खुद सोचो ना, इसको इधर लेके आएंगे एलसीएम में एक्स गुना एक्स होगा तो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, जब क्यूब का आ जाएगा ना तो आप बहुत ही परेशान हो जाओगे। तो हम लोग एक काम करने वाले, हम लोग जो है सिर्फ इसका इधर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि भले ही कैलकुलेशन करने में थोड़ा टफ हो लेकिन आसानी से सॉल्व हो सकता है। आप खुद देखना चाहोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, ठीक। क्या क्यूब में सॉल्व करना है बताना, मैं क्यूब में भी सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत लेंदी होने वाला, फिर वहाँ डिवाइड बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, ठीक। वो परेशान हम लोग को नहीं होना है, इसको अलग सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस सी और एक्स माइनस बी का एलसीएम हो गया, हाँ भैया। फिर एक्स माइनस सी से डिवाइड की, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ ए इंटू एक्स माइनस बी, फिर प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, इससे इसमें डिवाइड की, इसका मल्टीप्लाई बी के साथ। अब लग रहा है कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन ना, क्वेश्चन है भी अच्छा खासा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए लें क्या, कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ए एक्स माइनस ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी। भैया जी ये क्वेश्चन में ए बी के फॉर्म में आ रहा है ना, हमारा ए बी निकल गया, क्या क्या हम कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आता भैया। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूँ ना साथ में, आप परेशान मत हो, सिर्फ मेरे साथ आगे बढ़ते चलो। यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ माइनस ए का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ इक्वल टू टू सी बटे एक्स माइनस सी। यहाँ तक आप पहुँचोगे, पहले यहाँ तक पहुँचो, यहाँ तक समझने का प्रयास करो हम कहाँ पर कौन कौन सा टर्म लिखे हैं, पहले यहाँ तक पहुँचो। पहुँच गए होगे, बिल्कुल पहुँच गए होगे। ऊपर वाले को सॉल्व करने का प्रयास छोड़ो, मैं ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें आप परेशान हो सकते हो, ठीक है। पिछला क्वेश्चन मुझे लगा था अच्छा क्वेश्चन होगा, लेकिन वो देखने से लगा अच्छा क्वेश्चन लेकिन था नहीं अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखते हैं, एक काम करेंगे, ए एक्स और बी एक्स से कॉमन ले ही लेते हैं, एक्स का एक टर्म हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स है, दोनों से एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ ए बचा, यहाँ पर प्लस बी बचा, हाँ भैया ठीक है। यहाँ पर माइनस ए भी, माइनस ए भी, माइनस टू ए भी बचा, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस दोनों से अगर हम लोग कॉमन लेने का प्रयास करें, एक्स कॉमन ले लें और माइनस बी कॉमन ले लें, तो यहाँ पर भी ए और बी बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। आप खुद देख लो कैसे क्या होगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो और यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लें, मेरा ए और बी बचा, कछुना बचा है। वाह भैया जी बहुत अच्छी बात है, यहाँ प्लस ए बी इक्वल टू टू सी बटे एक्स माइनस सी। अब क्या किया जाए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे कहीं ज़्यादा गंदा कैलकुलेशन तो नहीं होगा ना, डरना नहीं है, ठीक, डरना नहीं है। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इस टू सी का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ और इसका मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करने वाले, ठीक है। लग जाओ, लग जाना है आपको मल्टीप्लाई के पीछे, ओके। तो घबराना नहीं है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस सी का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं टर्म को ना, क्यों घबराना, इस 2c का मल्टीप्लाई पूरे टर्म, अच्छा हाँ 2c का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अब मल्टीप्लाई करना है, सुनो, इस x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करना है। देखो
x का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सोचो x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करते हैं, 2 तो यहाँ हूबहू यहाँ 2 निकलता है, ये x और x सिर्फ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बनता है। सेम वही चीज 2 के जगह पर ये टर्म है आपका हूबहू आगे में ये टर्म आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 आपका सिंपल सा आगे में आ गया, उसी तरह यहाँ पर a प्लस बी आपका सिंपल सा आगे में आने वाला और x का मल्टीप्लाई x के साथ यहाँ पर x स्क्वायर होने वाला। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, समझो ना, a प्लस बी अभी 2 है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, अगेन यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई 2ab के साथ करने वाले, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, अगर x का मल्टीप्लाई बोले 5 के साथ x का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या करोगे, सिर्फ 5x लिखोगे, सिंपल सा कांस्टेंट टर्म आपको हूबहू लिखना होता है, तो सिंपल सा ये हम लोग कांस्टेंट टर्म 2ab हूबहू लिख लिए, इसके साथ x का मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ x हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, हर एक बात को समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ पर आप जो है माइनस प्लस माइनस हो गया और c का मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पर ये वेरिएबल टर्म इस वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई होकर के x स्क्वायर हुआ था, उसी तरह ये कांस्टेंट टर्म इस a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी का c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू सी हो गया और x आपको होगा उतर होगा x निकल उतर जाएगा। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है, हमें पता है यहाँ आपको तकलीफ हो रहा है, लेकिन इस तकलीफ को आपको खुद से मैनेज करना होगा, सॉल्व करना होगा, आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सी का मल्टीप्लाई 2ab के साथ करेंगे तो 2abc हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा रिजल्ट आने वाला, हमें तो देख करके ही लग रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यहाँ देखो इस 2c का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 2cx स्क्वायर हो जाएगा। समझो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, जहाँ पर ए बी सी दिख रहा है सब आपको कॉन्स्टेंट टर्म समझ के चलना है। ओके ठीक है, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, अब 2c का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, तो भैया सिंपल सा c का मल्टीप्लाई जाएगा तो इस कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई होने वाला। अरे मेरी प्यारी बहना, 2c इंटू ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, सोचो ना, कांस्टेंट का सिर्फ कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2c गुना a प्लस बी क्या होगा, सिंपल सा यही चीज हो जाएगा। बिल्कुल सा, क्योंकि मल्टीप्लाई तब करते हैं जब सेम मेरा कुछ होता है, जैसे ए गुना ए रहेगा तो ए स्क्वायर करेंगे, यहाँ सब आपका अलग अलग है तो सिर्फ मल्टीप्लाई को हाइड कर देना है, तो सिंपल सा इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी। सी को इधर लिख लिए, क्यों लिखे हैं पता चलेगा हमें, इसलिए लिखे हैं ये ए प्लस बी इंटू सी और ए प्लस बी इंटू सी दोनों का सेम चिन्ह मिलाने के लिए। ठीक है, 2 सी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स हो गया। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, इसी तरह आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छा लगा, प्रोत्साहन कर देते रहो हमें। ठीक है, इस कठिन रास्ते पे हम चलते जा रहे हैं, कुछ अच्छा ही यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है, बहुत प्यारा कैलकुलेशन हो रहा है, अच्छा लग रहा है। 2c गुना ए बी मेरा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब मेरा कांस्टेंट टर्म है और कोई भी टर्म सेम नहीं है, सिंपल सा वही टर्म आ जाएगा। अगर आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने आपको पॉलीनोमियल में रिविजन करवाया है, अगर अच्छे तरीके से आप पढ़े होगे ना, तो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बहुत ही आसान कैलकुलेशन लगने वाला आपको, वरना ये बहुत तकलीफ देने वाला, हमें पूर्णतः विश्वास है अपने ऊपर और आपके ऊपर भी। 2c गुना ab करेंगे 2abc होने वाला। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो भूलिएगा, हम फिर से आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाने वाले। यहाँ देखोगे आप इस कैलकुलेशन तक पहले पहुंचोगे, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आता, एक बार दो बार खुद से रफ में इसको इस एक लाइन को करने का प्रयास करोगे, अगर सिर्फ ये एक लाइन कैलकुलेशन सीख जाओगे ना, ये सवाल बहुत ही आसान होने वाला। इस पूरे सवाल का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो यही पार्ट होने वाला। ठीक है, यहाँ से आपका सवाल बन चुका है, हम सवाल लगभग बना चुके हैं, देख रहे हैं सवाल मेरा बन चुका है। ठीक है, तो आज इसको जो है आपको सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करोगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, देखो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। भैया जी अभी तो हम इक्वेशन तक नहीं पहुंचे हैं, x का वैल्यू भी हमको ए बी सी टर्म में फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूँ ना परेशान नहीं हो रहा अभी आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो होगा थोड़ा तकलीफ होगा, तकलीफ कहाँ हो रहा है, मजा आ रहा है बनाने में, आप बोले तकलीफ हो रहा है। यहाँ देखो इसको सॉल्व करना है ना, एक काम करते हैं, इस सारे टर्म को बराबर किस तरफ लेते जाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है। हाँ भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब क्या किया जाए, यहाँ 2cx स्क्वायर होगा ना, सिर्फ स्क्वायर लिखे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है। ठीक है, यहाँ एक्स का टर्म है, यहाँ एक्स का टर्म है, बहुत अच्छे, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स का टर्म है। ठीक है, यहाँ पर 2abc है, यहाँ 2abc, ये तो कट जाएगा, दिख ही रहा है हमको, ये तो एक इस प्लस को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो मेरा माइनस बनेगा, ये सब मेरा कट जाने वाला, अभी भी काट सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, काट दें क्या, अरे नहीं इसको जाना है तो काटेंगे, इस सब को बराबर किस तरफ लेके आओ, कोशिश करना एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर को लेके आने का, एक्स को एक्स के पास लाने का और कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के पास लाने का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ध्यान दो, इस लाइन पर गौर फरमाओगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखोगे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसको उतारते हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसको बराबर किस साइड लाते हैं, अभी ये प्लस में है तो ये मेरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा,
अब यहाँ पर आपको अगर शांति से अगर यहाँ पर ध्यान से बनाओगे इसको तो हर एक टर्म समझ में आने वाला, हल्का सा ध्यान भटकेगा आप इसको नहीं बना पाओगे, इस बात को समझ के चलना। यहाँ पर पूरा अपना ध्यान एकाग्र करो, ये क्वेश्चन है एकाग्र, आपके एकाग्र को मतलब तो जो आपका एकाग्र होने का क्षमता है ना उसका टेस्ट कर रहा है ये, ठीक है, खाने वाला टेस्ट नहीं, मतलब आपका एग्जाम मतलब टेस्ट हो रहा है आपका कि आप एकाग्र कितना देर कर सकते हो। यहाँ देखो इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखे, एक्स स्क्वायर को बराबर किस तरफ लाएंगे, सिंबल चेंज हो गया, अगेन जितना भी एक्स वाला उसको एक साथ लिखते, यहाँ पर एक्स वाला यहाँ पर एक्स वाला, इसको पहले एक साथ लिखो, टू ए बी एक्स, यहाँ पर माइनस ए प्लस बी इंटू सी एक्स हो गया, क्या हुआ, बस हो गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बराबर हो गया, हो गया सॉल्व, यहाँ पर क्या हुआ माइनस टू ए बी एक्स हो गया, यहाँ पर माइनस ए प्लस बी इंटू सी और एक्स हो गया, सारे एक्स वाले टर्म को एक जगह कर लिए, फिर ये जो एक्स वाला टर्म है इसको भी लेते आते हैं ना, क्या ही समस्या है, यहाँ माइनस है, अरे यहाँ तो कट नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट नहीं रहा है, घटेगा, इस माइनस वाले टर्म को बराबर के इधर लाएंगे तो ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस टू इंटू ए प्लस बी इंटू सी एक्स हो गया, ठीक है, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये बचा हुआ टू ए बी सी, इसको कॉन्स्टेंट वाले टर्म के पास भेजेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस टू ए बी सी है, इसको बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो माइनस टू ए बी सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये सारा टर्म हम लोग बराबर किस तरफ और अपने अपने दोस्त के पास भेज दिए, पहले यहाँ तक पहुँचोगे इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, जल्दी से बढ़ो, हम जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं इसको, और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है, देखने से ही बन रहा है ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक है, बस नाम का ये क्वेश्चन लग रहा है, कहीं आसान हो ये भी इसी तरह क्वेश्चन बन जाए भैया जी, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूँ ना, अगर इसको सॉल्व करोगे आप पहले तो ये काटो, अरे ये काटो, कट गया, ठीक है, अगेन और कोई घटने वाला है क्या, हाँ भैया घटने वाला है, कौन, ये घटने वाला है, ये घटने वाला है, देखो यहाँ पर ये दोनों सेम दिख रहा, हाँ भैया यहाँ आगे में प्लस टू है, यहाँ आगे माइनस वन है, अर्थात अगर दो एप्पल और एक एप्पल, दो एप्पल में से एक एप्पल खा लोगे तो कितना चप्पल बचेगा, भैया जी चप्पल नहीं एप्पल, हाँ जी एक एप्पल बचने वाला, मतलब यहाँ पे प्लस वन और ये टर्म होने वाला, बात को समझना है, मतलब टू एक्स में अगर सिर्फ एक्स घटाओगे तो एक्स बचने वाला, इस बात को समझ के चलना है, अगेन यहाँ से इस दो टर्म से एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन लेने वाले तो ये टर्म और ये टर्म आपका होने वाला है, इसको सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमें लगा नहीं था इतना अच्छा क्वेश्चन होगा ये, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने वाले, भैया जी आप मांग कर रहे थे ना अभी कि हमको अच्छा क्वेश्चन चाहिए, लीजिए अच्छा क्वेश्चन मिल गया ना, मजा आया आपको, हाँ मैथ से मजाक मत कीजिए भैया आप, इसलिए तो मजाक कर रहा था, फिर मेरी बात को सुनेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसको बनाने में अलग आनंद आएगा, वो आनंद हमें अभी आ रहा है, ठीक है, यहाँ देखो a प्लस बी यहाँ पर है, माइनस टू सी यहाँ पर है, यहाँ पर a प्लस बी आ गया, यहाँ पर माइनस टू सी आ गया, ठीक है, बस काम कंप्लीट। अब इस पूरे टर्म से हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे तब x का मान निकालेंगे, यहाँ माइनस टू ए बी एक्स है, माइनस टू ए बी एक्स है, ठीक है, यहाँ पर माइनस मैंने भी सिखाया ना, माइनस पी रहेगा प्लस टू पी रहेगा, सिर्फ प्लस पी बचेगा, माइनस वन और प्लस टू खत्म, सिर्फ प्लस वन बचा, प्लस ए प्लस बी इंटू सी एक्स, ठीक है, ये बातें समझ में आया कैसे हम लोग इस दोनों को सॉल्व किए, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भैया, हाँ ये सॉल्व कैसे हुआ पता नहीं चला, इसके बदले में आप सिर्फ यहाँ प्लस वन कैसे लिख लिए, यहाँ पर माइनस वन था और प्लस टू था, माइनस वन और प्लस टू सॉल्व करेंगे तो प्लस वन बचेगा, इस बात को समझना है, इक्वल टू जीरो तो इक्वल टू जीरो लिख लिए, अरे ये तो बन गया, यहाँ से एक्स कॉमन लो, काम खत्म करो, तो यहाँ पर ए प्लस बी माइनस टू सी इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ से आप एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ बच गया आपका माइनस टू ए बी, यहाँ बचा आपका ए प्लस बी इंटू सी इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ओके ओके ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी माइनस टू सी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक यहाँ माइनस हुआ, माइनस टू ए बी, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस ए ए सी प्लस बी सी इक्वल इंटू एक्स, ठीक है, बातें समझ में आ रही है, हाँ भैया यहाँ तक पहले पहुँचो आप, जल्दी यहाँ तक पहुँचो, यहाँ तक पहुँच गए होगे, बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए होगे, इसमें कहीं भी कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाला, ठीक है, इसके बाद जो है आपको क्या करना है उसको समझ लेना है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमको क्या वैल्यू निकालना है, हमको सिंपल सा जो है इसको जीरो के बराबर कर देंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो क्या होगा, कुछ ना होगा, फाइंड एक्स इन टर्म ऑफ ए बी सी, अच्छा हमको x का मान निकालना है किस फॉर्म में, a b c के फॉर्म में निकालना है, तो निकालते हैं, ठीक है,
देखो यहाँ पर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुका है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का टर्म अलग हो गया, एक्स का टर्म अलग हो गया। अब आराम से हम डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू निकालने के बाद सिंपल से हम लोग एक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डी का मान कैसे निकालते हैं, हमको पता है यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेयर, यहाँ पर कैपिटल ए का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी माइनस टू सी है, ठीक है भैया। अगेन कैपिटल बी का वैल्यू क्या है, माइनस, इस माइनस को भी ले जाएंगे, ठीक, माइनस इंटू माइनस टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी है, ठीक है ठीक है ठीक है। और सी का मान तो है ये नहीं, जीरो है, ठीक है। ये तो और अच्छी बात, मज़ा आ गया। अगेन यहाँ से हम लोग सिंपल सा डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको मिटा दे जाए, इधर तो बन गया ना, इधर मिटा दे दो, ठीक है। अब यहाँ बनाएंगे, यहाँ तक पहुँच गए हो गया। अब हम सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले, यहाँ पर जैसे ही डी निकालेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, हाँ भैया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और हमको पता है यहाँ पर सी का मान जीरो है, तो ये टर्म पूरा जीरो होने वाला, सिर्फ हमको बी स्क्वायर करना है। वाह भैया जी, ये तो अच्छी बात है। तो सिर्फ और सिर्फ बी का स्क्वायर करो, बी का मान क्या है, माइनस माइनस टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर करेंगे। सिंपल सा पूरा होल, ये पूरा स्क्वायर करना, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात सिर्फ और सिर्फ माइनस टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। नहीं समझ रहे हो, इस माइनस का दो बार मल्टीप्लाई, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया और इसका दो बार मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया। दिमाग लगाना है। डी का मान निकल गया, अब हम लोग सिंपल सा जो है एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स का मान निकाल ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, इसको मिटाइए। अब हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, तो सो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट हंड्रेड डी बाय टू ए। तो माइनस बी, बी का मान क्या है भैया, यहाँ बी का मान है, माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस हो गया, जो बी का मान है वो लिखिए, माइनस टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अगेन प्लस माइनस रूट हंड्रेड, डी का मान क्या है भैया, डी का मान ये पूरा टर्म है, ठीक है, लिखते हैं माइनस टू ए बी प्लस ए सी। अब ये मन में आप सोच रहे होंगे, हम स्क्वायर के ही फॉर्म में क्यों रखे इसको, स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए रखे, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये सोच करके हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में ही रखने जाने दिए, ठीक है। समझो, जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना, मेरा जो अप्रोच होता है क्वेश्चन बनाने का, मैं आपके सामने ही क्वेश्चन बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ चलिए आपके सामने क्वेश्चन नहीं बनाया जाए, पहले बना के रखते हैं, सिर्फ बोलते चलेंगे मिलाते चलेंगे, वो काम नहीं, मेरे साथ वो काम नहीं होने वाला, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम आएगा तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगा, सोचेंगे तो आपके सामने सोचेंगे, तो क्या होगा, आपको किस प्रकार बनाना है वो चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। अगेन टू ए है, तो यहाँ पर टू ए का मल्टीप्लाई क्या है, ये ए है हमारा, ए की जगह पर ए प्लस बी माइनस टू सी रख दिए। अब इसको सॉल्व करना, मेरे ख्याल से जब प्लस करेंगे तो ये दोनों जुट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, समझो, माइनस टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस माइनस, ये स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट। अरे मेरी प्यारी है ना यार, टू स्क्वायर रूट अंदर रहता, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर हम दो लिखते हैं ना, याद पर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आपका माइनस टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बचने वाला, ठीक है। अब देखो ये तो बन जाएगा, हाँ ये तो आसान ही था, हम झूठ मूठ का इसको कुछ ज़्यादा सीरियस में ले लीजिए ना भैया जी, आप मत बोलिए, अभी मैथ सॉल्व हुआ नहीं है, सॉल्व हो जाएगा ना, तब मैथ कैसे बोलिएगा आप डरते कितना हो, डरो मत। देखो यहाँ पर सिंपल सा, एक बार हम लोग प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नाउ एक बार प्लस लेते हैं, एक्स इक्वल टू, इसको लिखते हैं सिर्फ प्लस लेने वाले, माइनस टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यहाँ पर आपका प्लस ले लिए, माइनस टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब आराम से इसको सॉल्व कर दो, टू इंटू लगता है मार्कर का इंक में पावर खत्म हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा दूसरा मार्कर ले लेते हैं, उसमें क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है, देख रहे आप, बस हो गया, यहाँ देखो ये भी मार्कर खत्म, मार्कर है पावर, इस दोनों को जोड़ दिए, सोचो ना P प्लस पी टू पी होता है, एप्पल प्लस एप्पल टू एप्पल होगा, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर टू का निशान दे देंगे, टू इंटू माइनस टू ए बी, अब तो खत्म करके ही जाना है हमें, ठीक है, तीन तीन बार हो गया, इसको खत्म करके ही निकलेंगे आप, माइनस टू सी सबसे एक कुछ कॉमन ये रही आप कैंसिल होगा, टू से टू कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पर ये यह आपका प्यारा सा रिजल्ट आ गया, माइनस टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी, आराम से यह आपका x का वैल्यू निकला। एक बार x का मान हम लोग माइनस के साथ लेंगे, वहाँ पर जीरो हो जाएगा, इतना माइनस इतना होने वाला, ठीक है। यहाँ तक पहले बनाओ, यहाँ तक बनाओ, तो जल्दी यहाँ तक बनाओ, बन गया होगा यहाँ तक, बिल्कुल बन गया होगा। उसके बाद देखो फिर से हम लोग अगेन x का मान लिखेंगे, ये हम मिटा रहे हैं इतना समझो, इसको मिटा के फिर से यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लेने वाले, अगेन x इक्वल टू जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लेंगे, तो क्या होगा वो देखो,
इसको बनाने के बाद हम बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं फिर आप मिटाने लगना। यहाँ तक बनाने के बाद फिर से नीचे लिखोगे अगेन, फिर x इक्वल टू जहाँ प्लस था वहाँ आप माइनस लेकर तो फिर से बनाओगे, मतलब इसको फिर से बनाना है आप, इतना आप समझदार हो। ऐसा नहीं कि आप मिटाने लगोगे। यहाँ देखो हम लोग क्या ही करेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लगता है दिमाग का दही बना दिया आज आपका, ना लग तो रहा है ऐसा, बिल्कुल हमको लग रहा है ऐसा। ऐसा क्वेश्चन मिल गया, इतना अच्छा क्वेश्चन मिल गया, हमने सोचा ना था कि इतना आपके सामने इतना बेहतर क्वेश्चन आने वाला, बहुत प्यारा क्वेश्चन था जिसमें जीरो में डिवाइड करेंगे इससे भी मेरा पूरा का पूरा जीरो बन जाने वाला। दो आंसर निकल गया है, दो आंसर बहुत अच्छा आंसर निकला था, एक्स का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ये पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, ये पांचवा क्वेश्चन तो मौखिक रूप से ही बन रहा है, तब मैं बताऊँ क्या बताऊँ इसके बारे में। पांचवा क्वेश्चन एक अंतिम क्वेश्चन आज का, मात्र 5 मिनट और लगने वाला, फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको जो है चौथे नंबर क्वेश्चन लेकर फिर से अपने मन से बनाना होगा तो बना ही देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर अपने मन से नहीं बनाओगे तो आपके दिमाग में ये कैद नहीं होने वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर खुद से अपने मन से बनाना है, पक्का बना ही लेना अपने मन से, ठीक है, बना ही लेना है आपको। अच्छा समय हो रहा है ना, देखो यार पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करने वाले। ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय एक्स। यहाँ पर ए और बी जीरो के बराबर नहीं, इसका मतलब यहाँ जीरो नहीं लेना है, हमको पता था डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। अब इसको सॉल्व करना है ना, मैंने आपको सिखाया था कि एक्स वाले को एक तरफ करना है, हाँ भैया एक्स वाले को एक तरफ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में क्या ही समस्या, आराम से सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक है चलो, अब जो है हम विचार कर चुके हैं, जब भी अब सुबह उठेंगे तो 2 मिनट आराम करने का सारा फंडा खत्म आज के बाद से, ये क्या होता है ना। यहाँ देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको खुद सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करना चाहते हो खुद सॉल्व जरूर करना, सॉल्व जितना आप खुद से करोगे। ये क्वेश्चन अच्छा खासा रिपीट किया हुआ है तो आपको खुद से प्रयास जरूर करना है इस पर, ठीक है, हो सकता है रिपीटेशन इसका हो जाए। अब हम चेक नहीं किया इसके आगे ईयर में, क्योंकि 2 से 3 बार रिपीट करता हम आगे चेक ही नहीं करते, ठीक है। यहाँ देखो आप ए प्लस बी प्लस एक्स डिवाइड किए तो बचा एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बन में तो एक्स हो जाएगा, माइनस का माइनस, एक्स से डिवाइड किए तो बचा ये टर्म यहाँ पर ए प्लस बी प्लस एक्स, जो कि यहाँ पर आप ही गलती करोगे। जब माइनस के बाद 2 से ज़्यादा टर्म आता है या 2 टर्म आता है जिसको हम लोग पोस्ट में लेते हैं, यही गलती होता है मैक्सिमम, जो स्टूडेंट करता ही करता है, आप भी वहाँ पर गलती किए होगे तो पता, मुझे पक्का पता है यहाँ पर आप गलती किए होगे। यहाँ पर जब भी एक्स से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म आ रहा है तो उसको हम लोग कोष्ठ में लिखेंगे, इस बात को समझना है आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या ही करेंगे वो देखो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हुआ। अब जैसा मैं बता रहा हूँ ना वैसा ही आपको काम करना है, ठीक है, समझो, यहाँ समझना है आपको, यहाँ प्लस एक्स हो गया। अब इधर भी सॉल्व किए लेते हैं ना, इधर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, ए से ए में डिवाइड किया बचा बी, बी लिख लिए प्लस बी से बी में डिवाइड किया बचा ए, यहाँ ए लिख लिया, अर्थात ए प्लस बी है जिसको ए प्लस बी के रूप में लिख लिया, यहाँ ए बी हो गया। भैया आपने इसको उल्टा क्यों लिखे, अरे आपको समझाने के लिए, वरना मेरा कोई जरूरी नहीं था इसको उल्टा सीधा करना, मैं ऐसे कटा देने वाला था, लेकिन आप नहीं समझोगे इसलिए हम जो है इसको उल्टा सीधा जैसे आप समझोगे हम वैसे समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से माइनस को मैं ले लेते हैं, बचेगा ए प्लस बी, नीचे क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा ए प्लस बी बटे ए बी, ये ए प्लस बी ये ए प्लस बी कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका माइनस 1 बचने वाला, इस बात को समझो, ठीक है। जैसे माइनस 8 और माइनस इक्वल टू 8 इसे कैंसिल आउट करना, यहाँ माइनस 1 बचेगा, ये माइनस नहीं समझ रहे हो, देखो समझो, यहाँ माइनस 8 इक्वल टू 8 था, इसका मतलब यहाँ माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 है इक्वल टू 8, इस 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ माइनस 1 बच ही गया ना, समझ रहे हो, वही चीज वहां पर है, माइनस 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। हाँ भैया अब समझ में आया, यहाँ माइनस 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है इसलिए ऊपर मेरा माइनस 1 बचा है, ठीक है, इतना तो अब आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर के चैप्टर का ये अंतिम अंतिम क्लास चल रहा है, होगा तो एक क्लास और लेने वाले इस पे, फिर हम लोग सिंपल से इस चैप्टर को छोड़ विदा कर देने वाले, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किए ही लेते हैं, क्या ही समस्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या तो ना है, कर ही लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या होगा, ए समझोगे, ध्यानपूर्वक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर क्या हो गया ए प्लस बी प्लस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई किए, ए बी का मल्टीप्लाई माइनस 1 से तो माइनस ए बी, अरे ये क्या इतना आसानी से बनेगा, एक्स का मल्टीप्लाई तुरंत निकल गया, मुझे लगा और ये तंग करेगा, ये क्या तुरंत बन गया। इसको फिर से लिखते हैं ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है, ये तुरंत बन गया, बहुत गलत कर रहे हो आप, हाँ ये गंदा आपके क्वेश्चन में, मुझे लगा कि थोड़ा सा होगा दमदार क्वेश्चन जाएगा बनाने में, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे सॉल्व होता नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, अरे हाँ 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 मुझे लग ही रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई भी है ना, मैं सोच ही रहा था ये क्या हो रहा है, इतना आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन, हाँ मेरे राज में इतना आसानी से कैसे बन जाएगा, यहाँ एक्स भी है ना, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, अब मजा आएगा ना, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में, देखो एक्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, वही मैं सोच रहा था इतना आसानी से कैसे बन गया, इतना आसानी से नहीं बनना था, इतना आसानी से बन रहा था, उसको पूछने क्या जरूरी था, फिर यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई किया वहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इस ए प्लस बी में
इस पूरे टर्म को हम एक कॉन्स्टेंट टर्म मान के चलते हैं, ठीक है। वरना आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग ए प्लस बी का मल्टीप्लाई एक्स के साथ ए प्लस बी इंटू एक्स कर लिए, क्योंकि बाद में कॉमन लेना ही होता हमको, हम पहले से ले लिए कॉमन। समस्या होगा बोलना, जैसे आप करोगे सॉल्यूशन हम वैसे सॉल्यूशन करने वाले। यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू माइनस ए बी हुआ, ठीक है। एक काम करते हैं, सारे टर्म को इधर लेते आते हैं, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, फिर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स हो गया, यहाँ प्लस ए बी हुआ इक्वल टू जीरो। हाँ भैया ये तो हो गया। अब ये हमारा यहाँ पर अलजेब्रिक, मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। वेयर, वही तो मैं सोच रहा था, इतने आसानी से कैसे बन जाने वाला ए प्लस बी, यहाँ पर सी का मान ए बी हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब डी का वैल्यू निकालेंगे, तो सो डी बराबर क्या होगा वो देखो, डी बराबर मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता। हाँ भैया, बी का मान ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस चार गुना ए का मान एक गुना सी का मान ए बी हो गया, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। अरे ये फॉर्मूला पढ़े हुए हम लोग, याद पारो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी का फॉर्मूला पढ़े, ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल याद आ रहा होगा, सिंपल सा इसके बदले में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पढ़े, फॉर्मूला लिखना ध्यान लिख दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ये हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े हुए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े इस फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है। सिंपल सा ये टर्म दिया हुआ था, हम इस टर्म को यहाँ पर लिख लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मेरा आराम से एक्स का वैल्यू निकल जाने वाला, ये बहुत आसान था। ठीक, थोड़ा सा हम हार्बर में थे तो उस एक्स को छोड़ दिए। भैया वैसे भी आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं आजकल। अरे कोई नहीं, जो पनिशमेंट देना है दे देना, हम एक्सेप्ट कर लें। क्या हुआ, गलती करे तो सीखना है ना, आपको भी सीखना है, हमको भी गलती कम करना है। भैया जी चलिए, यहाँ देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट हंड्रेड डी बाई टू ए। हाँ बस आपके ध्यान को, मतलब आपको बोर फील ना हो इसलिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो इसको नेगेटिव वे में आपको नहीं लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस बी है ना, तो बी का मान यहाँ ए प्लस बी है, तो ए के बी की जगह पर ए प्लस बी रख लिए हम लोग। प्लस माइनस डी का मान क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मत रखना इसमें, ये अलग है, वरना मिटा देंगे इसको। फॉर्मूला लिखे वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए का मान कितना है, ए का मान वन है, वन फिफ्टी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर माइनस इंटू ए प्लस बी हुआ, यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, बचा ए माइनस बी। यहाँ पर आपका टू का टू हो गया, ऊपर में एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। चलो लेते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, एक्स का मान निकल जाएगा, बहुत प्यारा प्यारा दो एक्स का वैल्यू निकलेगा और आराम से ये वैल्यू ये मेरा सॉल्व हो गया। नाउ एक्स बराबर मेरा माइनस ए प्लस बी, यहाँ प्लस दिए यहाँ ए माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे बटे टू। भैया यहाँ पर माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, सॉल्व करते हैं इसको, ये ए से ए कैंसिल आउट, माइनस टू बी बटे टू ये कैंसिल आउट, माइनस बी हो गया एक्स का मान। फिर एक बार हम लोग एक्स का वैल्यू लेंगे, माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी बटे टू, ये सॉल्व कर लोगे ये सब आप माइनस माइनस। भैया जी आपको लगता होगा आसान, लेकिन सॉल्व करने में मुझसे पूछिए क्या परेशानी होता है, क्या परेशानी होता होगा, हमें तो बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। भैया आपको ना आता है मजा, हमें नहीं आता। एक्स का मान यहाँ पर माइनस ए निकल गया, यहाँ पर माइनस बी निकल गया, देखो प्यारा प्यारा रिजल्ट निकल गया है, एकदम धमाकेदार रिजल्ट निकला होगा। आज इतना ही रखेंगे और इतना ही रखते हैं, आज कोई क्वेश्चन भी नहीं देने वाले, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।